नमस्कार दोस्तों, नुगा वेस्ट में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं ऐसा टेस्ट, ऐसा प्रयोग जिसे देखकर आप टर्मोनियम को पाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। ये है टर्मोनियम FIR टेस्ट, लेकिन उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह FIR हमारे शरीर पर किस तरह असर डालती है, यह देखने के लिए हम अंडों का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को करने का उद्देश्य क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। FIRS हमारे शरीर में 4 से 7 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है। इस टेस्ट को हम पहले ही कर चुके हैं। इस टेस्ट को हम अपने NM85 थर्मल मसाजर मैट पर कर चुके हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस प्रयोग को करने ने कुछ अंडे लिए हैं और जो हमारी टर्मोनियम NM85 मैट है वो हमने 2 लिए हैं। और ये जो अंडे हैं, अब हमने इन अंडों को अपनी मैट पे, जो टर्मोनियम मैट NM85 है उस पे हमने इनको रख दिया है। टेम्परेचर को, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे हमने इस मैट को सेट किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मैट जो हमारे पास है उस मैट को ऊपर से इस पे रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एक कपड़े से, एक चादर से कवर कर देंगे ताकि जो FIR रेज हैं वो सही से अपना कार्य कर सके और अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। हमने अंडे रखे थे, उनको लगभग 1 घंटा हो चुका है और आइए देखते हैं उनकी स्थिति, जानते हैं कैसी स्थिति हो गई है। टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहता हुआ 70 डिग्री पर, और देखते हैं उन अंडों की क्या कंडीशन है। उसमें से हम कोई से रैंडमली 2 अंडे लेते हैं और देखते हैं, उनको फोड़ कर देखते हैं कि जो उनकी अंदर की जेली है, जो उनका वाइट पोर्शन है या जो येलो पोर्शन है वो कैसा हो गया है। ये देखिए, ये अंडा हमने जो है फोड़ा है और जो वाइट पोर्शन है वो लगभग हल्का सा जेली टाइप का हो गया है और जो इसका येलो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ये येलो पोर्शन में देखिए, वो अभी भी थोड़ा सा लिक्विड है। और अगला जो टेस्ट है वो हम 2 घंटे बाद करेंगे। 2 घंटे लगभग बीत चुके हैं और फिर से हम देखते हैं जो हमारे अंडे हैं जो मैट के अंदर रखे हुए थे उनकी परिस्थिति को देखते हैं, जानते हैं कि अब उनमें क्या बदलाव आया है। टेम्परेचर को लगातार हमने 70 डिग्री जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर मेंटेन किया हुआ है। 2 अंडे हमने इस मैट के अंदर से उठाए हैं और आइए देखते हैं कि उनमें क्या बदलाव हुए हैं। ये देखिए, अंडे को फोड़ा गया है और इसके, ये देखिए, जो वाइट पोर्शन है वो हल्का सा जेली टाइप का थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, जबकि मुझे जैसा दिख रहा है कि जो येलो पोर्शन है वो भी गाढ़ा हो चुका है। इसको फोड़ कर देखते हैं, देखिए ये 2-3 बार में हल्का सा फूटा है और ठोस की तरह हल्का हल्का ठोस हो गया है। तापमान को लगातार 70 डिग्री पर बनाए रखते हुए आइए देखते हैं 3रे घंटे में अंडों की क्या स्थिति है। 3 घंटे बाद अब हम देखेंगे जो हमने टर्मोनियम मैट है उसके जो अंदर अंडे थे वो लिए हैं 2, और आइए इनको फोड़ कर देखते हैं कि जो हमारी टर्मोनियम मैट है उससे जो निकलने वाली FIR है उसने इनकी क्या स्थिति में बदलाव किया है। ये देखिए, अंडे को फोड़ा गया है और आप देखेंगे कि जो वाइट पोर्शन है वो अभी भी
लगभग चिपचिपा सा हो गया है और लगभग लिक्विड की तरह है, लेकिन जो येलो पोर्शन है वो काफ़ी मात्रा में गाढ़ा हो चुका है। ये हमारे जो टर्मोनियम मैट है उसकी जो उससे जो निकलने वाली FIR है उनका इफेक्ट। टेम्परेचर को आप देखेंगे जैसा वीडियो में दिख रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेट है अभी भी, और हम चौथे घंटे का जो रिजल्ट है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसमें देखेंगे जो अंडे हमने टर्मोनियम मैट के अंदर रखे हैं उसमें से हम दो अंडे यहाँ से उठा लेते हैं, और इन अंडों को ब्रेक करके ये देखेंगे कि चौथे घंटे में हमारी जो FIR रेज है वो इन अंडों पर क्या इफेक्ट डालती है। ये हमने अंडे को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद देखते हैं रिजल्ट। वाओ, ये देखिए, ये है FIR, टर्मोनियम से निकलने वाली FIR रेज का कमाल। जो व्हाइट पोर्शन है अभी भी जेली की तरह है, आप देखेंगे, ये देखिए, मैं चम्मच से इसको इधर उधर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये अब भी प्लेट पे ऐसे है जैसे पानी की तरह नहीं बल्कि थोड़ा सा हल्का सा ठोस है, जबकि आप देखेंगे येलो पोर्शन जो है लिक्विड से एकदम से ठोस की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। आइए अब आपको इसको ब्रेक करके दिखाते हैं। जो येलो पोर्शन है ये देखिए, ये येलो पोर्शन जो है बिल्कुल लगभग ठोस हो चुका है। ये है अपनी टर्मोनियम मैट NM85 से FIR रेज निकलने वाली रेज का। अभी आपने जो टर्मोनियम FIR टेस्ट अंडों पर होते हुए देखा उससे यह सिद्ध